राइजिंग भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ खुद नितिन गडकरी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और अभी हम बहुत ही क्विक कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक सवाल मेरा होगा, थोड़ा सा सीरियस होगा, क्योंकि आप मुझे पता कि आप भी ऑटोमोटिव इंथूजियास्ट हैं। कुछ एक सवाल हमारे जनता की तरफ से आए थे और एक इस राइजिंग भारत के बारे में पूछा। पहला सवाल तो जिस गाड़ी में आप उतरे हैं उसके बारे में ज़रा बताएं। वो गाड़ी टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, उसमें फ्लेक्स इंजन है, वो 100% पेट्रोल और 100% बायोइथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। उसका एवरेज अगर पेट्रोल से तुलना करें तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आएगा। वो हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो अभी फ्लेक्स फ्यूल में मोटरसाइकिल भी आई है, TVS, बजाज और हीरो की, और इसके बाद ऑटो रिक्शा भी आ रही है। हमारे इथेनॉल की बसेस भी थी, और इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है जो किसानों ने तैयार किया है, जो ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से, अब तो इथेनॉल बॉम्बू से भी बन रहा है। तो ये नया रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा करेगा, वहाँ वेल्थ क्रिएट होगी और देश का इम्पोर्ट बचेगा और देश को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इसलिए मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का बहुत प्रचार करते रहता हूँ। बिल्कुल। और आप जो है पूरे कार इंडस्ट्री, पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, लेकिन खुद आप कौन सी गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में भी चलता हूँ, जो उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। तो हाइड्रोजन की गाड़ी पे भी घूमता हूँ, फिर इथेनॉल की गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक की गाड़ी घूमता हूँ। अब मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि वैसे मैं बुलेट प्रूफ, क्योंकि मैं जेड प्लस में हूँ, तो मेरे साथ वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो अभी तक इसमें नहीं बनी है। पर मैं प्रायोरिटी वाइज अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को यूज़ करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, कि 16 करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करना ये देश की इकोनॉमी को जैसे बड़ा चैलेंज है, उससे भी बड़ा चैलेंज है कि एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन हमारी सबसे बिग कंसर्न है। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, इसलिए किसी भी स्थिति में हमको अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की तरफ जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक की वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। मैं 5 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री करके उम्मीद करता हूँ कि देश के सब शहरों की बसेस इलेक्ट्रिक भी होंगी। एक सवाल थोड़ा सा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से को कवर करता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर जो टैक्सेशन की बात शायद सोची जा रही थी, पहले जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या हाइब्रिड गाड़ियाँ आती थी, अभी जो आई हैं, दोनों में फ़र्क है, तो क्या उसके ऊपर भी हम देखेंगे कम होते हुए टैक्स? मैं आपको निश्चित रूप से ये बात बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक पर 5% GST है और ये जो हाइब्रिड है इसके ऊपर 48% है जी। और आने वाले समय में ये लगभग इलेक्ट्रिक जैसी है, क्योंकि 60% तो बिजली पे चल रहा है जी। और ये अल्टरनेटिव फ्यूल है, ये किसानों का है, तो ये इंडिजिनस है, पोल्यूशन फ्री है। तो मैंने वित्त मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की है कि GST काउंसिल में आप बात करके ये अगर 12% होगा तो ये इंडस्ट्री बहुत चलेगी, जिससे देश का इम्पोर्ट कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। और हमारी अटवल इंडस्ट्री वैसे भी, मैं जब मंत्री बना तो 7वें नंबर पे थी, 7.5 लाख करोड़ का उसका टोटल साइज था, अब 12.5 लाख करोड़ की बनी है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स दिया है, और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा होता है, और वर्ल्ड के लगभग ऑल रिप्यूटेड ब्रांड हमारे देश में है। और अब इसके बाद एक बहुत अच्छी बात हुई कि पहले हम 4थे नंबर पे थे, अभी 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर USA, दूसरे पे चाइना, हमें पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पे चाइना है, और 3रे नंबर पर अब भारत है। और मेरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम नंबर 1 पर पहुँचेंगे, और निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इसमें ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत बढ़िया। एक अब जनता का सवाल है सर, कि वो जानना चाह रहे थे, जो बहुत सारे कमेंट्स भी हमें आए, कि जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले हैं और जो हाई बीम पर चलाने वाले हैं, उनके लिए आप क्या इलाज सोच रहे हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्य, और मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे देश में 1.5 लाख मौतें होती थी, अब 1,68,000 मौतें हो रही है। और विशेष रूप से इसका कारण जो है, और मरने वालों में भी 18 से 34 एज ग्रुप में 65% है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो है कि ह्यूमन बिहेवियर, यही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक लोग रूल्स ऑफ द रोड का पालन नहीं करेंगे, सिग्नल दिखेंगे तो रुकेंगे नहीं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करेंगे,
और लेन डिसिप्लिन का पालन करेंगे, ये जब तक ठीक से नहीं हो पाएगा उस समय तक एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। और इसमें हम मीडिया का भी सहयोग ले रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी जा रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और लोगों का माइंड सेटअप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त।